बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों ने गैंगरेप किया है। तीन लोगों ने बच्ची को बनाया है हवस का शिकार, घर बुलाकर बच्ची के साथ हैवानियत की है। कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की खबर सामने आ रही है और पड़ोस में ही रहने वाले तीन लोगों ने गैंग रेप किया है। तीन लोगों ने बच्ची को हवस का शिकार बनाया, घर बुलाकर बच्ची के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया। कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई है और बताया ये जा रहा है कि जिसने ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया वो पड़ोस के ही रहने वाले हैं। पड़ोस में ही रहने वालों ने बच्ची के साथ गैंग रेप किया। तीन लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया। तीन लोगों ने बच्ची को अपना हवस का शिकार बनाया है। हालांकि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस की पूछताछ जो है वो की जा रही है, पर आरोपी जो है वो पड़ोस में ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता गिरीश नारायण हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। गिरीश, 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, बताया जा रहा है कि पड़ोस में ही रहने वाले तीन लोगों ने किया गैंगरेप, तो पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो कौन है? ये मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना थी ये बीते 6 तारीख की थी। बच्ची है जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो अपने घर पर अकेली थी। उसके परिजन कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे। ये पड़ोस में ही रहने वाले तीन युवक हैं, इन्होंने एक बच्चे के माध्यम से उस बच्ची को अपने घर पर बुलाया कि कुछ काम है। जब वो बच्ची वहां जाती है पड़ोस में, तो ये तीनों जो युवक हैं ये उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देते हैं। और उसके बाद जब पीड़िता अपने परिजनों से शिकायत करती है और वो लोग पुलिस के पास जाने की बात करते हैं, तो उन पर दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है। उसके बाद जब पीड़िता की 2 दिन बाद थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, उसके बाद परेशान होकर पुलिस से गुहार लगाई जाती है, शिकायत दर्ज की जाती है और पुलिस हरकत में आते हुए फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में ले लेती है। जी, मतलब बिल्कुल शर्म की बात है कि पहले बच्ची को बरगला के घर पे बुलाते हैं, मीठी मीठी बातें करके घर पे बुलाते हैं, उसके बाद ये घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और जब शिकायत करने की बात होती है तो उसे डराते धमकाते भी है। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है गिरीश? जी, पुलिस का कहना है कि जैसे ही पीड़िता की परिजनों की तरफ से शिकायत मिली, उसके बाद तुरंत ही जो पॉक्सो एक्ट और तमाम जो धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भी भेजकर अपनी जांच पुलिस ने आगे बढ़ा दी है। चलिए गिरीश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। सूचना पीड़िता की माता द्वारा पुलिस को दी गई थी और सूचना प्राप्त करते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूछताछ करने पे ये सामने आया है कि अभियुक्त पहले से पीड़िता को जानते थे और वहाँ पर खेल रहे 12 साल के लड़के को भेजकर उन्होंने पीड़िता को अपने घर पर बुलवाया, जहाँ पे ये घटना घटी। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और बाकी सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।